हे शरणागत रक्षक, अपार शक्तिशाली, मुझे आप अपनी अजेय शक्ति प्रदान करें। मुझे इस बात को समझने में सहायता करें कि जीवन की विषम परिस्थितियों में आप हमें अपना विश्वास प्रदान करते हैं, अपनी कृपा प्रदान करते हैं, आप मेरी रक्षा करते हैं, जिससे कि मैं विकसित हो सकूं, आपके प्रार्थना मैं जीवन में मजबूत बनूं। लेकिन प्रभु, मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूं। ऐसे समय में एक माँ की तरह आप अपनी शरण में लेकर मेरा संबल बढ़ाएं, मेरी हिम्मत को बढ़ाएं, इस बात पर मैं विश्वास कर सकूं आप ही मेरे गढ़ हैं, आप ही मेरे शरण स्थान हैं, आप ही मेरे परमेश्वर हैं। आप मेरी सभी बुराइयों से रक्षा करें, मेरा भरोसा सदैव आप पर दृढ़ रहे। आप मुझे अपने पंखों में ढक लें, मैं आपके पंखों के नीचे सदैव शरण पाऊं, आप ही मेरी आराधना हो। पिता, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। योगेश्वर भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। हे मेरे मुक्तिदाता, आपने सदैव मेरे विश्वास को मजबूत किया है, मेरी सदैव मदद की है। इस दिन का सामना करने के लिए आप मेरी मदद करें। आज के दिन के माध्यम से आप मेरे साथ रहें। इस दिन का सामना करने के लिए आप अपने साथ खड़े होने में मेरी मदद करें। आपके विश्वास और बहादुरी को मैं प्राप्त करूं। आपकी दया, करुणा, प्रेम, आशीर्वाद हमेशा हमेशा प्राप्त करता रहूं। मेरे दिमाग में क्लियरिटी दें, स्पष्टता प्रदान करें। सर्वपूज्य भगवान नारायण, आप ही मेरी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के आधार हो। मैं आपकी शरण में हूं। मैंने आपसे जो भी मांगा है उसे आपने सदैव प्रदान किया है। हे योगेश्वर भगवान, आप ही मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। बहुतायता, शांति, आनंद, प्रेम, अच्छाई, पूर्णता, प्रभु यह सब आपका नियम है। आपके नियमों से मैं भरपूर हूं। इस समग्र विश्व का विस्तार इन्हीं नियमों में है, मैं उसी का हिस्सा हूं। मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं, सब कुछ भरपूर है, बहुतायता में है। मैं उन अपार महिमा वाले भगवान की शरण में हूं, जहां मेरी सभी मनोकामनाएं दिव्य योजना के अनुसार पूर्ण हो रही हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर की शांति का राज हमेशा हमारे ऊपर रहे। मैं हमेशा आभार से भरा रहूं। पिता भगवान को सदैव धन्यवाद दो। भगवान के आशीर्वाद के लिए सदैव प्रार्थना करो। एक बार जब हम इनके एहसास को गहरे से अनुभव करना शुरू कर देते हैं, प्रभु की भलाइयाँ धन्यवाद के साथ, अति प्रवाह के साथ मेरे जीवन में प्रवाहित होने लगती हैं। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे स्वामी, आप ही इस जगत के प्रकाशक हो, आप ही मेरी मुक्ति के द्वार हो, आप ही हम सब के वर्तमान हो। हे योगेश्वर, आप ही सत्य के मार्ग हैं, आप ही इस जगत को धारण किए हुए हो, आपसे ही हम सबका जीवन स्पंदित हो रहा है। जैसे घड़े कई रूपों में होते हैं, लेकिन मिट्टी सभी रूपों को धारण किए हुए रहती है। मिट्टी से अलग घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है। वृक्ष से जब डाली अलग हो जाती है तो वह अपना अस्तित्व खो देती है। मेरे प्रभु, आप मेरे जीवन के स्पंदन हैं, श्वास हैं। जीवन के संचालन की प्रक्रिया आपके द्वारा ही संचालित होती है। हे मेरे योगेश्वर, आप सदैव मुझे अपनी शरण में ही रखें। मेरे जीवन के अहंकार को समाप्त करें। जिस अज्ञान के अंधेरे से मेरी आत्मा ढकी हुई है उसे आप दूर करें, अपनी शांति व समृद्धि का मार्ग बनाएं। धन्यवाद प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।